हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल विपुल गासारे व्लॉग्स अगेन एंड अगेन। सो आज का व्लॉग हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर। थोड़ा बहुत 19-20 लग रहा है, उसमें डर भी लग रहा है किसी चीज़ का, क्योंकि मेरे पास लगेज है। ये मेरा बैग है, केबिन बैग, और ये जो इसमें जाने वाला है, लगेज में जाने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि ये ज़्यादा मेरे को हीवी वेट लग रहा है, और फ्लाइट का एक होता है कि आपको 15 kg देते हैं वो लगेज का, और 7 kg देते हैं आपके बैग का। सो मुझे मेरे बैग में नहीं, लेकिन मेरे लगेज में ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो 15 kg के ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ये सेकेंड नॉटिका का इवेंट है जो हम लोग अटेंड करने वाले हैं, जो पहले मुंबई में किया था फिनिक्स मॉल कुर्ला में, और अभी जो कर रहे हैं वो है बैंगलोर में। ये यौवन है, यौवन से हम लोग टूर तक ये ट्रॉली खींचते खींचते आए हैं। इसको ऐसे प्रेस करना होता है तब भी वो मतलब चलती है, नहीं तो फिर आपको ऐसा जोर से दबाना पड़ता है, जो मेरे इतना ताकत है ना, दिन भर मैं यही करता हूँ काम करके या फिर यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, आगे से गेट है, वहाँ से कर लेंगे। फ्लाइट वैसे अपनी बहुत टाइम लेट है, सो चेकिंग के बाद ही मिलते हैं। देखो अंदर आ गए, अंदर आने के बाद फिर सीधा ये लाइन रहे या ना रहे, आपको ऐसे घूम के आना है, फिर यहाँ पे आके ये चेकिंग पे देना है। फिर उनका नंबर चल रहा है, फिर अपना आएगा। चेकिंग तो हो गई है, ये आपको पास मिलता है, ये आपको आपके पास रखना होता है जो अंदर जाते टाइम देना होता है, और ये है आपका टिकट। इंडिकेटर होता है, इस इंडिकेटर में पता चलता है कि आपकी फ़्लाइट कौन से मतलब गेट पे आने वाली है। यहाँ पे शायद सबको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, ये मैं आगे चल के दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसा, अभी ये बार बार चेंज होता रहता है, 62, 63। देखो ये इसके बाजू में भी ये लगा होता है, आपको कौन सी फ्लाइट पकड़नी है वो इस पे लिखा होता है, 21, 24 गेट, 21, 22। ये आपको इसके इंडिकेटर पे दिखाता है गेट नंबर कहाँ पे है, कौन सा 9 से लेकर 20 तक इस साइड में है, और फिर 21 से लेकर 31 तक ऊपर तक है। गोवा, बेंगलोर, 19, ये लास्ट वाली जो फ्लाइट दिख रही है ना वो अपनी है, 22, 40। मतलब आपको यहाँ पे एक ट्रे आता है बाहर अंदर से, उसमें आपको सब डालना पड़ता है, आपके फ़ोन से लेकर आपके वॉलेट तक, या आपके फ़ोन में या कुछ भी हो, XYZ आपकी जेब में XYZ कुछ भी हो, वो सब इस ट्रे में डालना पड़ता है, फिर आगे चल के आपको ट्रे मिल जाता है। ये यहाँ पे ऐसे बैग से लेकर जो कुछ भी आपके पास वो सब डालना पड़ता है। गाइस एक बात याद रखना, ये चेकिंग काउंटर है, और यहाँ पे है ना, अगर आप गलती से भी लूज पैंट पहन के आते हैं और बेल्ट लगाते हैं, तो याद रखना अपनी पैंट निकलनी है, क्योंकि यहाँ पे बेल्ट निकालना होता है, बेल्ट क्या सब निकालना होता है, ये चेकिंग काउंटर होता है। और याद रखना लैपटॉप भी आपका आपको निकालना पड़ता है, हर चीज़ निकालनी पड़ती है जो इलेक्ट्रॉनिक है या फिर कुछ भी है, वो सब चीज़ निकालनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ याद रखना कि लूज पैंट पहन के ना आए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फिर यहाँ से आगे 23, 26 है अपना, तो यहीं से ही जाएंगे हम लोग। यहाँ पे भी फिर क्योंकि चेकिंग होगी। वेरी गुड। और फिर ये फ्लाइट है, ये गेट 22 है, अपना है 26। जब तक 26 नहीं आता आपको चलते जाना है। ये देखो पब्लिक, आप ट्रेन में दारू पिए अलाउड नहीं, मेट्रो में अलाउड नहीं, और साला फ्लाइट में आप तल्ली होके भी जाओ ना तो भी चलेगा, चिल्ड बियर अल्ट्रा। यार खाने पीने की चीज़ें है, 25 आ गया, 26 भी फाइनली दिख गया है, चलते चलते थक गया, ऊपर से ये इतना बड़ा साला बैग। टिकट के साथ स्टार्ट करते हैं। ये एरिया है, यहाँ पे आपको सीटिंग होती है, और यहाँ पे आपकी फ़्लाइट लगती है। ये हर एक गेट होता है, उस गेट से आपको जाना होता है, और ये पूरा का पूरा एरिया ऐसा होता है जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। कभी कभी कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि कोई आपको मिल जाता है, बुक भी पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री में, वो खाली पढ़ना होता है, लेके जाना नहीं होता है। ठीक है, शायद से इसको पे करके लेना होता है, जो पढ़ने के लिए होता है। अभी ये कहाँ की कुछ तो फ्लाइट है, नागपुर की, लेकिन ये डीले है। मेरे बाजू में जो लेडीज़ बैठी है वो भी नागपुर का वेट कर, लेकिन वो डीले है फ्लाइट, ये नागपुर फ्लाइट डीले है। और इस एरिया में आप बैठ सकते हैं, ये मेरे बैग है ये वाली, और पता नहीं नोट के बारे में कुछ तो चल रहा है, ये लफड़ा बाद में देख लेंगे।
आप यहाँ पे कहाँ पे भी बैठ सकते हो, कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन याद रखना कि आपकी जेब में ऐसा हो कोटा, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत लिटरली बहुत। या स्मोकिंग एरिया है, ये अच्छी बात होती है भाई, कहीं पे भी जाओ आपको ये जुगाड़ मिल जाता है। मेरे ऑफिस के कुछ ऐसे दोस्त थे, उनके लिए ये चीज़ उनके काम की है, स्मोकिंग एरिया है यार ये, आप यहाँ पे घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। ये यहाँ पे जो शॉप्स होते हैं ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और एक तो रहे ऐसे चिकने 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 चिकने, ये एरिया होता है जहाँ पे आपको सिटिंग करना होता है, ये यहाँ पे पूरा सिटिंग कर सकते हैं। ये टर्मिनल वन है मेरा फ्लाइट का, है दो फर्स्ट और अभी क्या ही दिखाया इसके बारे में, सबको तो पता है ये टर्मिनल वन का कुछ ऐसा सीन होता नहीं है, बहुत ज़्यादा सबको पता है टर्मिनल वन क्या चीज़ है। इसमें खाली डोमेस्टिक लगती है, इंटरनेशनल नहीं लगती है। इंटरनेशनल आपको टर्मिनल टू में जाना पड़ता है, टर्मिनल टू में आपको इंटरनेशनल लगती है, टर्मिनल वन में खाली डोमेस्टिक लगती है। और यहाँ पर बैठे हैं हम लोग भाई लोग, अभी एचआर का कॉल आ गया था, एचआर का कॉल, शशि सर तो पहुँच गए, शशि सर मतलब हमारे एचआर है वो पहुँच गए। अभी पारी है अपनी, अपने को जाने के लिए कम से कम लगेगा 2 घंटा, 1 hour and 58 minutes। तो उन्होंने रूम तो बुक कर लिया है, अब आगे चल के देखते हैं कि रूम, फिलहाल तो एक दिन के लिए किया है, आगे चल के अगर एक्सटेंड कर लेंगे अच्छा रहा तो एक्सटेंड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, उसमें कौन सी बात है, वो एक्सटेंड हो जाता है। पर हम लोग पहले एक बुक कर लेते हैं, इसलिए कि अगर पसंद नहीं आया तो रूम चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर पूरा बुक कर ले और पसंद नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं रहा, तो उसमें रहना पड़ता है और रिटर्न भी नहीं होता, तो उसके लिए प्रॉब्लम ये हो जाता है। तो वो एक दिन की बुकिंग हो गई है, अभी चलते हैं कर लेते हैं आगे चल के, अभी अगर अच्छा रहा तो वही कर लेंगे, नहीं तो फिर चेंज कर लेंगे। पब्लिक यार भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं, ये वाला सिस्टम सही है। इंस्टेंट अभी यहाँ पे देखते क्या है, आई गेस ये है, ये देख रहा हूँ ये चीज़ है जो अपने यहाँ पे 10 की मिलती है और यहाँ पे 110 की मिलती है। वाह व्हाट इज़ द डिफरेंट, हम भी कुछ ऐसे ही खाने वाले हैं जो चीज़ महंगी होने वाली है, पता नहीं क्या खाने वाले, लेकिन खाने वाला ज़रूर है। ये है जहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर किया है, और ये अपना ऑर्डर है और ये अपना बिल है भाई। इतने में तो मेरा नाना बोल के आना पूरा ठीक है, थैंक यू, इतने में तो नाना बोल के पूरा मेरा 2 दिन का खाना आ जाता ऑफिस का। चलो ठीक है, अभी क्या करें, हमारे मराठी में एक कहावत है, वेड़ेला केला ने उपवास वाला सीताफल, तसा है। सो गाइस हो गया, अभी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, चेकिंग भी हो गया, सब हो गया, अभी हम प्लेन में जा रहे हैं, बस ऑन द वे ही है, चेकिंग चल रही है यहाँ पे। ये अपना साथी है, सो गाइस इसी तरह से हम लोग सब बैठ गए, सिटिंग एरिया चल रहा है और ये एंट्री हो रही है, ये है विंडो, गो फर्स्ट, ये विंडो है, ठीक है। ऐसे होता है यहाँ पे, आपको ऊपर लगेज रखने के लिए होता है ये वाला ऐसा, जो पहली बार आएंगे उनको पता नहीं होगा लेकिन पता देते हैं, ये सीन ये वाला ऐसा होता है, 10E मतलब हो गया F E और D, जो बीच में आता है ई, तो ई बीच में आएगा, डी लास्ट में आएगा और ई स्टार्ट में आएगा, एफ स्टार्ट में आएगा, ऐसा होगा, देख लेना वो इसके। और एक चीज़ इसमें ऐड हो जाती है वो है ये, खाओ पियो मूवी देखो कुछ भी करो, तुम इसमें कुछ भी कर सकते हो, अनलॉक होता है ये, फिर यहाँ से यूज़ होने के बाद ये ऐसे लॉक कर देता है, सब में नहीं होता है, कुछ कुछ में ही होता है ये। ये गाइड्स बेंगलोर महंगा बनने वाला है।
यहाँ से फिर आने के बाद आपको आपका लगेज मिल जाता है जो ऐसे आता है, वैसे वेट करना पड़ता है, तो ट्रॉली लेके आना था फिर वेट करना पड़ता है लगेज के लिए आपके, तो वेट करो लगेज लेने के बाद फिर एग्जिट, यह आपको एग्जिट करना होता है। यहाँ पे भी चेकिंग होता है और डायरेक्टली बाहर होता है, एग्जिट होता है, चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं होता है। ठीक है, अभी जाके सीधा कैब बुक कर लेते हैं और फिर निकलते हैं। फाइनली गाइस, ये बेंगलोर है, ये ओला उबेर का जाने का एग्जिट है, यहाँ से फिर एग्जिट होने के बाद सीधा आके ओला उबेर के लिए एग्जिट जाता है और फिर ये है आई लव बेंगलोर। लगेज तो हम लोगों ने ले लिया, अभी कैब बुक करते हैं, पता नहीं यहाँ से कितना लंबा है, कैब बुक करके फिर निकलते हैं बेंगलोर। ये होती है खुशी, बहुत टाइम बाद मिलने की होती है ये खुशी, गाली गुली दे रहा। ठीक है, यहाँ पे हर टाइप के क्लॉक लगे हुए हैं, ये अलग क्लॉक है, वहाँ पे अलग क्लॉक है, सब जगह अलग अलग क्लॉक है। सो गाइस, फाइनली पहुँचे, चेकआउट वगैरह हो गया और फिर रूम का वहाँ पे सब पैक वगैरह कर लिया। अभी हम लोग आ गए रूम पे और अभी सोने का टाइम है, बज गए 4:21। यार कसम से बहुत थक गया, सुबह 9 बजे उठना है, अभी खाना भी नहीं खाया, ये देखो खाना ऐसा ऐसा ही है, श्री सर ने खाना मंगाया था, अभी मैं खा लेते सोने का, पहले मेरे को खा लेता हूँ घपा घपा करके और सो जाता हूँ। सो ये व्लॉग मुंबई से बेंगलोर का ख़त्म, अभी इससे आगे चालू होगा खाली नौटिका का, रूम से लेकर नॉटिका के पूरे सेटअप तक ये व्लॉग होगा।